नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन और मैं हूं आपके साथ मेघा। शिवपाल यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने की खबरें लगातार सुनने में आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि शिवपाल यादव किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खैर, शिवपाल यादव के भाजपाई हो जाने पर केशव मौर्य का बड़ा बयान सामने आ गया है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने शिवपाल के भाजपाई होने की खबरों को खारिज करते हुए कह दिया है, फिलहाल के लिए बिल्कुल नहीं। आपको बता दें, केशव मौर्य ने शिवपाल यादव के भाजपा से जुड़ जाने की अटकलों पर कहा, अभी तो हमारे यहाँ ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। हाल ही में शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश की तरफ से बुलाई गई सहयोगी दलों की बैठक में शामिल नहीं हुए। शिवपाल यादव की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। अब आपको बता दें, शिवपाल यादव अमित शाह से मुलाकात करने भी पहुंचे। शिवपाल यादव योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केशव मौर्य का बयान ये सामने आ गया है कि भाजपा में फिलहाल किसी नेता के लिए कोई वैकेंसी खाली ही नहीं है। खैर, आपको बता दें, शिवपाल ने अपनी किसी भी कदम पर सिर्फ इतना कहा है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं सारी परिस्थितियाँ साफ करूँगा। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।